नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं खरवस, जो चीक बोलते हैं उसको, मिल्क वो। और दूसरा है कि वो भैंस को बच्चा होता है तो उस टाइम पे 2-3 दिन का जो मिल्क आता है वो, तो उसके लिए ये 1/2 लीटर है खरवस, ये मिल्क, और एक 200 ग्राम गुड़ है ये। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, ये गुड़ को मिल्क के अंदर डाल देंगे। हाँ, और इसको पहला पूरा गुड़ को पिघलने देंगे अच्छे से। हाँ, फिर पिघलने के बाद आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। अभी ये पूरा गुड़ पिघल गया और अभी हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालने का, 1 टेबलस्पून। हाँ, क्योंकि स्मेल आता है ना मिल्क का, तो इसीलिए इलायची पाउडर डालना बहुत जरूरी है। ये गुड़ और दूध ये सब पूरा छानना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या कचरा रहेगा क्या नहीं रहेगा, और गुड़ में भी वो पत्थर वितर सब रहते, इसीलिए ये सब पूरा छानना बहुत जरूरी है। छान के एक कुकर का बर्तन में लेने का, जो फुल नहीं होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। जैसे ही देखिए हाफ है ना। अभी हम इसको रखेंगे कुकर के अंदर। कुकर के अंदर देखो एक स्टैंड रखने का, ताकि अंदर का पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो ध्यान रखना है हमको। हाँ, पानी इसके अंदर बिल्कुल बाहर का उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए हो सकेगा उतना ऊपर ही रखने का। और इसको बंद करके 3 सीटी लगा देने का। देखते हैं भाई हो गया क्या। हाँ, देखिए हो गया ना। अभी इसको थोड़ा सेट होने देंगे, ठंडा करेंगे थोड़ा, और बाद में हम उसको आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है। अभी अपना खरवस रेडी हो गया। ये डब्बे के अंदर मैंने बनाया है, उसको ऐसा प्लेट में डाल के ले लिया। और अभी देखिए कितना मस्त, तो देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है खरवस का, इतना मस्त खरवस बन जाता है। देखा ना, ये देखिए मस्त एकदम ना। आप लोग भी ऐसा बनाइए, बनाने में बहुत इजी है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, परेशानी नहीं है, फटाफट हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करिए और एंजॉय करिए। डिश अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।